Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. चलिए, the surface area of a solid sphere is 1256. मतलब ये solid sphere है, इसको surface area आपको दिया हुआ है कितना 1256. Area of sphere 1256. It is now cut into, इसे काट दिया गया, into 2 hemispheres. Find the total surface area and volume of a hemisphere. मतलब इन दोनों में दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो किसी एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर तो होता है कितना 4 pi r square 1256 और r square is equal to 1256 divided by 4 pi. पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3.14. क्वेश्चन में दिया हुआ आप 3.14 करिए और 4 का टेबल आपको आता ही है, तो ये आ जाएगा 3 1 4 4 3 12 1 है ना, और 3 1 4 आ गया. अब यार 3.14 मतलब आप डिवाइड करेंगे, 3.14 का भी टेबल आपको आता होगा है ना, तो ये जब इसे काटेगा तो आई थिंक 100 आएगा, एक दो डेसिमल शिफ्ट होगा और कुछ नहीं है. तो r square is equal to 100. इसका मतलब क्या हुआ r is equal to 10 सेंटीमीटर. ये हमारा कोई आंसर नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बाद में काम आएगा. बाद में कहाँ काम आएगा? r हमने 7 कैलकुलेट कर लिया है, जो ये r है वही ये r होगा. r इज द रेडियस. किसका रेडियस? सॉलिड स्फीयर का भी और 2 हेमिस्फीयर का भी, है ना, तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा. अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल ही लिख लेते हैं, चलो, हाँ टोटल लिखना जरूरी है क्योंकि हेमिस्फीयर है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई? ये वाला कर्व वाला 2 pi r square और फ्लैट वाला pi r square, तो टोटल हो जाता है 3 pi r square. 3 multiplied by 3.14 और r square तो मैं पता ही 100 है ना, तो ये हो जाएगा 3 multiplied by 3.14, तो वो कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहला टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब उसके बाद दूसरी बात जो पूछी गई है वो क्या है? वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर नहीं है भाई, हेमिस्फीयर है ना, यहां पे हेमिस्फीयर लिखा हुआ. ओके, यहां पे भी हेमिस्फीयर, यहाँ पे 4 by 3 pi r³ होता है स्फीयर का, तो उसका हाफ हो जाएगा 2 by 3 pi r³. तो 2 by 3 into 3.14 इंटू r कितना है 10 का क्यूब, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 by 3 multiplied by 3.14, 2 0 यहां से चले जाएंगे और इंटू 10, चाहे 3.14 0 लिख लीजिए और सब कुछ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2093 whole 1 by 3 centimeter cube. So this is the volume of the hemisphere which was required to be calculated.